नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी जीके का पार्ट नंबर दूसरा देखने वाले हैं और यह लास्ट पार्ट रहेगा, जो कि एमपी ग्रुप 4, जिसमें आपको सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पद जो भर्ती निकाली जाती हैं। तो ये दरअसल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, दरअसल जो 4 शिफ्टों में ये पेपर हुआ था उस समय, और काफ़ी कम क्वेश्चन, काफ़ी कम दिन जो है ये एग्जाम चलता है, क्योंकि सभी के पास जो है, जैसे हाई कोर्ट का है तो एक ही दिन चला है, तो इसी तरीके से आपको ये भी 1 से 2 दिन का ये एग्जाम होता है। तो इसमें हम जीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। मैं करंट अफेयर्स यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे करंट अफेयर्स अलग था, तो मैं यहाँ पर जो स्टैटिक जीके है उसका पोर्शन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका पीवी के कैलेंडर के हिसाब से इसका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होना है, मतलब आपके पास जो है वो ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 मंथ है, क्योंकि जो मार्च है इसमें आपके जो है वो इसके फॉर्म भरे जाने होंगे। ओके, तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मालवा का पठार निम्न में से किसके उत्तर दिशा में है? ठीक है, उत्तर दिशा में है मालवा का पठार। देखिए, ये पूरा जो है वो मध्य प्रदेश का नक्शा है। इधर आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, ये जो है वो मालवा का पठार है, ये मालवा का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है, ये बुंदेलखंड हो गया। ठीक है, तो ये आपको ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, और यहाँ पर आप देखिए, ये विंध्याचल श्रेणी है और उधर सतपुड़ा श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है ये पूरी, और इसके बीच से जो है वो नर्मदा नदी जो है निकलती है, जिसे हम नर्मदा सोन घाटी भी कहते हैं। यहाँ पर जो है वो अलग अलग, जैसे मेकाल श्रेणी दी हुई है, मरकंटक दी हुई है, कैमूर, मांडेर, ये सब जो है दी हुई है। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जो है वो श्रेणियाँ कहाँ कहाँ पर है। अब इसमें हमें पूछा गया कि मालवा का पठार जो है वो किसके उत्तर दिशा में है, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और झाबुआ पर्वत श्रेणी। अब इसमें देखिए, सतपुड़ा भी यहाँ पर ही है, आप देख रहे हो ये वाला जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा है, लेकिन हमें क्या करना है, पास वाला देखना है। तो आप ये देखिए, ये विंध्याचल है और इसके उत्तर में जो है वो आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, ये मालवा का पठार है, तो ये किसके उत्तर में है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जो है वो उत्तर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। ओके, याद रखना है ये सभी जो श्रेणियां हैं और जो पठार है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार जो है आपको यही देखने को मिलता है। ठीक है, इस कहीं आपको 26% देखने को मिल जाएगा, कहीं यहाँ पर 28% के अप्रोक्स मिल जाएगा, तो इसके आसपास का ही आपको डेटा याद रखना है, इनमें से आपको कोई भी देखने को मिल जाएगा। कहीं कई किताबों में मैं आपको बता दूँ कि जो मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसका 26% जो है वो मालवा का पठार है, तो कहीं आपको 28% भी, तो दोनों ही आप याद रखना, कोई भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। मालवा का पठार जो है वो ये आपको लावा या ज्वालामुखी से जो है निर्मित हुआ है, तो इसमें जो है वो आपको काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। ओके, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, आपको चंबल नदी होगी, क्षिप्रा नदी होगी, सिंध नदी होगी, तो ये मोस्टली जो है वो देखने को मिलती है। ओके, क्षिप्रा नदी को जो है वो मालवा की गंगा कहा जाता है, जिसके किनारे आपको कुंभ का मेला देखने को मिलता है, जो कि उज्जैन में लगता है। तो ये सब आपको याद रखना है, सबसे बड़ा पठार भी जो है मालवा का ही पठार। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ ली जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मालवा के पठार की, मालवा, तो ये आपको याद रखना है शिगार। ठीक है, शिगार चोटी जो है वो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, बाकी जानापावी पहाड़ी है, तो इससे दूसरे नंबर की, जो पहले नंबर पर, तो ये होगी दूसरे नंबर पर जानापावा, जानापावा। ठीक है, जहाँ से आपको देखने को मिलती है जो चंबल नदी है वो निकलती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो जानापावा पहाड़ी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर करेरा वन्यजीव अभयारण्य, ये आपको किस पक्षी के संरक्षण के लिए इसकी की गई थी, दूधराज, सोन चिड़िया, बुलबुल या नीलकंठ पक्षी, तो इसका आंसर हो जाएगा सोन चिड़िया। करेरा वन्यजीव अभयारण्य आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको शिवपुरी। ठीक है, शिवपुरी में देखने को मिलता है। मैं कुछ आपको बता दूं, जैसे कि आपको देखने को मिलता है रातापानी, तो जो रातापानी है अब तो वो नेशनल पार्क बन गया है, तो ये रायसेन में है, रायसेन में है। ठीक है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य आपसे पूछ लिया है, तो ये होशंगाबाद में, होशंगाबाद में है। घाटी गांव अभयारण्य आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ग्वालियर में, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। गांधी सागर जो अभयारण्य है वो आपको मंदसौर में देखने को मिलता है, तो ये भी आप याद रखना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा जो अभयारण्य है पता होगा, नौरा देही है, नौरा देही, जो कि कहाँ पर है, सागर में, सागर में। ठीक है, नौरा देही सागर में है। और सबसे छोटा आपसे पूछ लिया तो राला मंडल है, राला मंडल, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, इंदौर में, इंदौर में, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और ये हो जाएगा सबसे
छोटा, ठीक है। कामधेनु वन्यजीव अभयारण्य आपको देखने को मिलेगा जो आगर मालवा है, तो वहां पर देखने को मिलता है आगर मालवा, तो इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर आप अनअकैडमी में क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर प्री क्लासेस भी होती हैं और प्लस क्लासेस होती हैं। प्री क्लासेस में क्या रहेगा, आपको लिमिटेड सिलेबस रहेगा, यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, PDF नोट्स, डाउट सेशन यहाँ पर आपके लिए जाएंगे। आप प्लस क्लासेस लेते हो तो आप मध्य प्रदेश के कोई भी एग्जाम है, जैसे MPPSC हो गया, MPSI का हो गया, पुलिस का हो गया, फॉरेस्ट का हो गया, ठीक है, जेल पैरी का होगा, तो यहाँ पर आपको कम्प्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाएंगे, अनलिमिटेड PDF नोट सेशन, ये सब चीज़ें आपको जो क्लियर डाउट है वो भी आपको यहाँ पर टॉप एजुकेटर के साथ जो है वो क्लियर कराए जाएंगे, ठीक है। एंड इससे बेनिफिट आपको लाइव क्लासेस रहेंगी सभी की सभी, मेरे द्वारा भी जल्दी ही आपको स्टार्ट देखने को मिलेंगी, जो कि फ्री क्लासेस रहेंगी, ओके। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको यहाँ पर जो है वो डिफरेंट बैच के लिए, यहाँ पर आपको डिफरेंस एग्जाम के लिए डिफरेंस ग्रैप प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट सेशन आपके लाइव रहेंगे, यहाँ पर जो इंटरेक्शन आपको पोल के माध्यम से देखने को मिलेगा, आप एक सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड यहाँ पर सभी एजुकेटर के साथ जो है वो आप कोर्स यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। और वीडियो रहेंगे, PDF रहेंगे, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। आइकन सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आप जो है वो फ्री स्लॉट इसको बुक कर सकते हो, और ऑडियो कॉल के माध्यम से जो भी आपके डाउट हैं एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी आपको कैसे क्या फॉलो करनी है, तो वो आपको यहाँ पर सब जो है वो बताई जाएंगी, और इसे आप कॉल के माध्यम से उनसे गाइडलाइंस, ये फीडबैक वगैरह आप सबको देखने को मिल जाएगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है उस हिसाब से, ठीक है। MPPSC के आपको मंडे टू सैटरडे जो है वो फ्री मॉक टेस्ट होता है, तो आज से आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री रहेगा ये सब, ठीक है। बैच अभी प्रारंभ हुआ है PSC का, तो ये 19 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 60 डेज का रहेगा, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 2 साल का आपको, अगर आप मान लो अभी कॉलेज में है, आपका प्लान है कि मैं 2 साल बाद या 2 साल 1 साल बाद जो है वो PSC का एग्जाम देने वाला हूँ, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 23 फरवरी को ये स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश में, 24 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है। आपको करना क्या है, अगर आपको 24 मंथ का या 12 मंथ का या 6 मंथ का या 3 मंथ का ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको GE10 कोड, रेफरल कोड यूज करना है, जिससे आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अनअकैडमी का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर पाओगे। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी बुंदेलखंड, ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। अगर हम मध्य प्रदेश के नक्शे की बात करूँ, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है वो मैंने ये नक्शा बना दिया है, ठीक है। दक्षिणी बुंदेलखंड मतलब ये आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड है, ये मध्य भारत का पठार है, तो दक्षिण मतलब इस तरफ आप देखोगे, ये जो है वो नर्मदा सोन घाटी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, साधारण मिट्टी पाई, साधारण साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पर गहरी पाई जाती है, थोड़ी यहाँ पर छिछली पाई जाती है, तो ये पूरा क्षेत्र आप देखोगे ये वाला जो है वो काली मिट्टी का है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है, काली मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम लिंक आधारित बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था, 2005, 2006, 2007 या 2008 में। तो लिंक आधारित जो है वो प्रस्तुत किया गया था, तो 2007 में ये देखने को मिला था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है आपको देखने को मिलेगा किसका, देखिए साक्षरता की बात की जाए, लिंगानुपात की बात की जाए, सबसे अधिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 81% ये जबलपुर का रहेगा, और बात की जाए जो बालाघाट है, बालाघाट इसका रहेगा, जो कि सबसे अधिक जो है वो लिंग अनुपात देखने को मिलता है, तो ये भी आप याद रखना है। देखिए एरिया में अगर आपसे पूछ लिया है कि सबसे ज्यादा एरिया जो है वो किसका है, तो छिंदवाड़ा का देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन लिंग अनुपात की बात की जाए तो बालाघाट का जो है वो सबसे अधिक देखने को मिलता है, 1021 के करीबन जो है वो आपको लिंग अनुपात देखने को मिलता है इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो। नेक्स्ट है, यहाँ पर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है,
3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या बात की जाए 6 नवंबर। तो ये आपको जो है वो 5 नवंबर में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 नवंबर। ओके, याद रखना है 5 नवंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला आयोजन किया जाता है? तो आप देख सकते हो कई तरीके से घुमा घुमा के वही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, नया कुछ नहीं रहेगा। मैं बार बार चीजें रिवाइज इसलिए कराता हूँ उस समय पर, ताकि आप वो चीजें अच्छे से याद हो जाएं और वो चीजें आप जो है एग्जाम में कर पाओ। देखिए कुंभ का मेला हमेशा ही, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेता है। तो कुंभ का मेला आप सभी को पता होगा ये कहाँ पे लगता है, उज्जैन में लगता है। उज्जैन में लगता है, और बात की जाए तो आपको ये क्षिप्रा नदी के किनारे जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी काकरी बल्डी से निकलती है, इंदौर की काकरी बल्डी पहाड़ी है तो वहां से देखने को मिलती है। काकरी बर्डी पहाड़ी से, ठीक है, पहाड़ी से निकलती है। ये कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है क्षिप्रा नदी। और यह किसकी सहायक नदी है, सहायक की बात की जाए, सहायक ये आपको चंबल नदी की सहायक नदी, चंबल नदी में ये मिल जाती है। और कुंभ का मेला जो है इसी के किनारे लगता है, उज्जैन। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, मालवा की गंगा आपको देखने को मिलेगी क्षिप्रा नदी को, क्षिप्रा नदी को, क्षिप्रा नदी इसका आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी को प्रेक्षा, अवंती ये नामों से जाना जाता है, तो इसे भी याद रखना है, प्रेक्षा और अवंती, ठीक है, ये दो नाम है इसके क्षिप्रा नदी के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा का मार्ग करता है? तो जिले जो भौगोलिक है आपको सभी को याद रखना है, भौगोलिक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पर है। अगर आपसे सपने में भी कोई पूछ ले कि कौन सा जिला किस में, जैसे कि छत्र पूछा जाए, तो आपको दिमाग में एकदम से एग्जैक्ट होना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये मैप आप पूरी अच्छी तरीके से याद कर लो कौन कौन से जिले कहाँ पर है, आप मैप खरीद लो, ठीक है, खरीद लो। पैसा का ऐसा है, अगर आप अभी इन्वेस्ट कर दोगे तो ये आपके लिए ही है, आप खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना कि दूसरों के लिए। आप ये समझिए कि आप इससे नॉलेज करोगे जो कि आपके एग्जाम के लिए, तो आप इसे खरीद सकते हो, सस्ता ही मिल जाता है, इतना भी नहीं है। तो देखिए ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ इस तरफ होता है, छत्तीसगढ़, और इधर महाराष्ट्र है। ऑप्शन देखिए, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी और अनूपपुर। तो आप देखिए ये आप जो ये वाला लाइन देख रहे हो, ये इस तरफ जो है वो महाराष्ट्र है, उस तरफ छत्तीसगढ़ है। तो ये आप देख रहे हो ये वाला जिला जो है वो ये है आपको बालाघाट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बालाघाट। वहीं आपसे गुजरात, ये हमारा गुजरात है। तो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से कौन सा, अलीराजपुर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये राजस्थान है, राजस्थान और गुजरात से झाबुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, राजस्थान और यूपी से देखने को मिलेगा मुरैना है, और छत्तीसगढ़ और यूपी से आपको सिंगरौली देखने को मिलेगा। यह सबसे पूर्वी जिला है, मुरैना जो है वो सबसे उत्तरी जिला है, और अलीराजपुर जो है वो सबसे पश्चिमी जिला है, और बुरहानपुर जो है ये सबसे दक्षिणी जिला। तो इसे भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो किससे लगते हैं, यूपी से लगते हैं, ठीक है, यूपी से जो लगते हैं, और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा गुजरात से, गुजरात से सब दो झाबुआ और अलीराजपुर, ये दो ही जो है वो गुजरात की सीमा से साझा करते हैं, गुजरात की सीमा से। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, आप याद रखना मध्य प्रदेश में जो है 52 जिले हैं, 3 और हैं अभी वो प्रस्तावित हैं, बनाए नहीं गए हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, और एक डेट और याद रखिए आप, देखिए यहाँ पर जो है ये टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ से अलग होकर जो है वो निवाड़ी जिला बना था, निवाड़ी जिला जो आपने देखा था, ये निवाड़ी जिला जो है वो टीकमगढ़ से अलग होकर जो है वो बना है, ये 2018 में, इसमें 1956 में मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का प्रवर्तन किया। तो सीधा सीधा तो पूछा गया कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, भगवंत राव मंडलोई, पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश नाथ काटजू या द्वारका प्रसाद मिश्र। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर हो जाएगा प्रवीण, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जो कि 1 नवंबर 1956 को ही जो है वो उसी समय जो है वो मध्य प्रदेश के, फिर 1 नवंबर 2000 में जो है वो छत्तीसगढ़ बन गया था, छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश से अलग होके बना था, ठीक है।
तो ये भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे थे और 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। तो ये एमपी में इतने बचे थे उस समय, 16 जिले जो है वो छत्तीसगढ़ में चले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के गिरध क्षेत्र में आता है। गिरध क्षेत्र मतलब आपको जो ग्रिड एरिया है वो कौन से, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा उपरोक्त सभी में। आपको ग्रिड जो क्षेत्र है जैसे कि भिंड है, मुरैना, भिंड मुरैना ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर, तो ये जिले हैं जो कि 5 जिले हैं जो कि ग्रिड क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, याद रखना है ठीक है। मध्य प्रदेश, ये आपको मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जो मध्य भारत का पठार है उसमें ही आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है वो भिंड जिले में देखने को मिलती है ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर तवा, दीनवा, सबकर, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा और ताप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की जो है वो सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं 41, ये संख्या याद रखना है, 41 सहायक नदियां हैं, तवा, देन, सकर, हथनी ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी जो है वो आपको याद रखनी है जो कि मोस्टली पूछ ली जाती है, तवा हो गई, दीनवा हो गई, सकर हो गई, हथनी हो गई ठीक है। अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। 1906 में नर्मदा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया था, नर्मदा ऑपरेशन शुरू किया गया था। और बात की जाए तो इसके नाम आपको नामादोष, नामादोष ठीक है, नेकाल सुता, संकरी, तो ये आपको देखने को मिलता है, रेवा। तो इनको आपको याद रखना है। नामादोष जो है वो ग्रीक का एक विद्वान था, उनके द्वारा जो है नाम दिया गया था। और नर्मदा नदी को जो है वो शंकर की पुत्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ इसमें जो पत्थर पाए जाते हैं वो शंकर जी की पिंडी के समान है, तो इसलिए उसे संकरी या शंकर की पुत्री कहते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में 1171 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। ये कितने जिलों से होकर, 15 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इसे भी याद रखना है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ऐश्वरी का निर्माण करती है, तो इसे भी आपको याद रखना है। सहस्त्रधारा जलप्रपात हो गया, दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार धारा, ये सब जो है आपको नर्मदा नदी पर जो है वो जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट नदी है ये, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है ठीक है, मध्य प्रदेश की जीवन इकाई का भी दर्जा इसको दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में किस शहर में सरकारी अफीम व उपचार कारखाना स्थित है, मंदसौर, नीमच, धार या आपको ओरछा। देखिए अफीम की खेती आपको पूछा जाए तो आप मंदसौर याद रखना है, मंदसौर नीमच में होती है, लेकिन अफीम जो सरकारी उपचार कारखाना ये आपको नीमच में देखने को मिलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीमच। नेक्स्ट, जंगल बुक है, एक जंगली पर आधारित है, जिसमें जो है वो जो रूडयार्ड किपलिंग की विख्यात बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसे भी आप याद रखना, रूडयार्ड किपलिंग ठीक है, इनके द्वारा जो है एक जंगल बुक लिखी गई थी। तो ये मध्य प्रदेश के किस जंगल पर आधारित है ये पूछा गया, बांधवगढ़, पेच, काना, पन्ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पेच। पेच वाला जो क्षेत्र है, पेच राष्ट्रीय उद्यान भी आपको पता है, तो उसी पर जो है वो लिखी गई है ये जंगल बुक। पेच आपको ये सिवनी छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है, सिवनी छिंदवाड़ा में ठीक है। ये आपको मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में दोनों में फैला हुआ है, इसको इंदिरा प्रदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है, पेश राष्ट्रीय उद्यान को, पेश नेशनल पार्क को, सिवनी छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा थोड़ा सही लिख दूं मैं, छिंदवाड़ा ओके, याद रखना है। बांधवगढ़ उमरिया पट्टी में, काना हो गया, मंडला में देखने को मिलता है, पन्ना हो गया, ये आपको पन्ना में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक आपको याद रखना है जो रातापानी अभयारण्य है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था ठीक है। तो जो भी रातापानी जो है कहाँ पर है, ये नेशनल पार्क का भी बन गया है, तो ये जो है वो रायसेन में, तो इसे भी आप याद रखिएगा, काफी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे आपको ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये विक्रम पुरस्कार की जो है वो वर्तमान राशि पूछी गई है, वर्तमान राशि कितनी, तो चलिए वीडियो जिन लोगों ने देखा है तो वो आप आसानी से बताओगे। देखिए एकलव्य की बात की जाए, एकलव्य यहाँ पर आप एक काम कर लो, इसको दो कर लेते हैं ठीक है, क्योंकि ये पुराना डाटा है। एकलव्य की जो है वो 1 लाख जो है वो इसकी अब प्राइज राशि कर दी गई है, 1 लाख राशि।
1 लाख रुपए आपको जो है बात की जाए 1 लाख पुरस्कार के लिए, और बाकी जैसे कि आपको विक्रम हो गया, ठीक है, विश्वामित्र हो गया, तो इन सब के लिए आपको 2 लाख याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर विक्रम दिया हुआ है तो इसकी क्या हो जाएगा 2 लाख रुपए राशि, ये अभी इसी साल जो है वो आपको देखने को मिलेगा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है। 1 लाख पुरस्कार जो है वो अभी करंट में कितने 13 लोगों को दिया गया था, तो इसे भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, प्रभास जोशी हो गया, तो ये जो है वो 1 लोग के लिए दिया गया था, ठीक है। विश्वामित्र की बात की जाए तो ये आपको 10 लोगों को जो है वो दिया गया था, तो इसे याद रखना। सॉरी विक्रम, यहाँ पर विक्रम, विक्रम जो है वो 10 लोगों को, और विश्वामित्र की बात की जाए, विश्वामित्र की ये 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो इतना हमको आपको याद रखना है, डाटा जो है वो आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। बाकी जो खिलाड़ी हैं तो 13 खिलाड़ी हैं, अगर आप इनके नाम याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नाम याद कर लीजिएगा। मैं कुछ आपको क्वेश्चन में जो है वो थोड़े ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको आसानी होगी याद रखने। ओके नेक्स्ट, इसमें से हमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट कहा जाता है, ग्वालियर, विदिशा, सागर या भोपाल। इसका आंसर हो जाएगा विदिशा। विदिशा जो है इसका आंसर हो जाएगा, विदिशा जो है वो आपको भारत का सेंटर पॉइंट देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन काफी टाइम पहले पूछा गया है। तो विदिशा के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो आपसे पूछी जाती हैं। दरअसल यहाँ पर सबसे पहली बात तो हलाली डैम है, हलाली बांध, ठीक है, हलाली बांध देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कैलाश, कैलाश जो सत्यार्थी हैं ये विदिशा के हैं, जिनको जो है वो 2014 में नोबल प्राइज मिला था, नोबल प्राइज जो है वो दिया गया था शांति के लिए, इन्हीं के द्वारा जो है वो 55 बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, 55 बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है याद रखना है, यहाँ पर आपको विदिशा में ही उदयगिरी की गुफाएं देखने को मिलेंगी, जो कि किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से, गुप्त काल में जो है वो देखने को मिली थी, ये बनी है उदयगिरी की गुफाएं, यहाँ पर आपको विदिशा जिले में ये देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का जो है वो देहांत हुआ था, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन या धार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुरहानपुर। बुरहानपुर में दरअसल जो है मुमताज महल का जो है वो देहांत हुआ था, और यहाँ पर पहले इनकी समाधि बनी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्हें आगरा ले जाया गया, इनकी समाधि को जो अस्थियां हैं कहा जाए तो वो आगरा में जो है वो अब आगरा के ताजमहल में है, ठीक है। तो बुरहानपुर जो है इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है वो बुरहानपुर को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है याद रखना है। बाकी आगरा में है अभी, आगरा जो है वो किस नदी के किनारे है, ये यमुना नदी के, ठीक है, यमुना नदी के किनारे है आगरा। जैसे आप ताजमहल देखोगे ना, उसी के बगल से जस्ट पीछे से ही जो है वो यमुना नदी निकली है, तो वो यमुना नदी के किनारे, तो इन सबको आपको याद रखना है घूमता। नेक्स्ट है यहाँ पर कितने जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मध्य प्रदेश के जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय मार्ग मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे की संख्या पूछी गई है 17, 18, 19 या बात की जाए 20। तो अभी आपको करंट का डेटा याद रखना है, इसमें आप क्या करो, एक कर, इसे 22 करो, ठीक है। तो अभी आप जो देख रहे हो यहाँ पर नेशनल हाईवे, यहाँ पर NH, ये आपको 22 देखने को मिलेंगे MP में, ठीक है, पहले 20 थे अब 22 हो गए हैं, ठीक है। तो नेशनल हाईवे की जितने भी आपको जो नाम है NH 3 से लेके नहीं, आपको जो है वो NH 59, 6, 27, 25, ये जो है वो आप थोड़ा डेटा को याद रखना कि कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आपको एक नेशनल हाईवे दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये मध्य प्रदेश में है कि नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। स्टेट हाईवे आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्टेट हाईवे जो है वो मध्य प्रदेश में आपको कितना देखने को मिलते हैं या कौन कौन से हैं, ठीक है, मोस्टली जो है वो आपसे कितने हैं ये पूछा जाता है। तो इसका डेटा की अगर हम बात करें तो आपको सबसे छोटा पूछा जाएगा या तो सबसे बड़ा पूछा जाएगा, ठीक है। तो राजमार्ग के हिसाब से एक जिले से दूसरे प्रदेश की राजधानी हो गई, जैसे कि भोपाल हो गई, ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे छोटे आपसे पूछ ले जाए और सबसे बड़े पूछ ले जाए। देखिए नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो है वो NH 3 है, ठीक है, और सबसे छोटा आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा है, छोटा ये सबसे बड़ा है,
सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। छोटे की बात की जाए तो NH339B, तो ये आप याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे को जो है वो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। वहीं हम स्टेट की बात करें, जैसे कि मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे है वो सबसे बड़े की अगर मैं बात करूँ, सबसे लंबा, सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबा होता है, तो SH90 स्टेट हाईवे 90 है, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। सबसे छोटा आपसे पूछ गया है, सबसे छोटा तो ये कौन सा है, 39A, ठीक है, 39A है, SH39A जो है ये सबसे छोटा है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय नौसेना। अच्छा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि कितने जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे जो स्टेट हाईवे है, तो स्टेट हाईवे की बात करें तो ये 48 है, ठीक है, स्टेट हाईवे की बात करें तो 48 है इनकी संख्या, और नेशनल हाईवे की बात की जाए तो 22 है। सबसे बड़ा NH3, सबसे छोटा NH339B है, सबसे स्टेट में NH1919 जो है वो सबसे बड़ा, और SH39A जो है वो सबसे छोटा है। भारतीय नौसेना का आपसे दिवस पूछा गया है कि इसका आंसर, चलिए मैं आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारतीय नौसेना दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 2, 3, 4 या 5, ये तो आपने पढ़े होंगे, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या पूछी गई है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 220, 225, 230 या 235, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 230। 230 जो है ये विधानसभा की सीट है, ठीक है, विधान सभा, ठीक है। आपसे पूछा जाता है राज्यसभा और लोकसभा, तो ये तो 11 है, ये 29, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखना है। राज्यसभा की जो है बात की जाए तो आपको 11 देखने को मिलेगी, लोकसभा की बात की जाए तो 29 देखने को मिलती है। आपसे जो पूछी जाती है लोकसभा में जो SC ST के जो लोग हैं उनकी कितनी सीट है, लोकसभा में SC एंड ST की, तो इसकी और इसकी दोनों की याद रखना है, यही आपसे पूछ ली जाती है, तो इसकी 4 सीटें हैं और इसकी 6 सीटें, ठीक है, ये सीट है, तो ये लोकसभा में है। सरला, सरला करके याद रखना है, संसद का 79 आर्टिकल है ये, 80 और 81, लोकसभा का 81 आर्टिकल होता है, राज्यसभा का 80 होता है, संसद का जो है 79 होता है, तो ये आर्टिकल भी आप याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। उच्च सदन जो है वो लोकसभा को कहते हैं, निम्न सदन जो है वो सॉरी उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है और निम्न सदन जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। स्थायी सदन भी आपको जो है वो राज्यसभा को कहा था। इसके सदस्यों का कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष होता है। इनकी लोकसभा जो राज्यसभा है इसके सदस्य जो है वो आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, और लोकसभा की बात की जाए तो इसके 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये सब फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, जो डायरेक्ट आपसे पूछिए जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। अब जीके के ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो स्टैटिक जीके है। इसके बाद आपको मैथ्स के हो गए और भी जो जैसे कंप्यूटर के हो गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा या तो मैथ्स रहेगा या कंप्यूटर रहेगा, तो जो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ओके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।